विधानसभा चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। समाजवादियों के गर्मजोशी उत्साह के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव उर्फ अंशुल ने विधानसभा चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी कार्यालय का फीता काट कर शुभारम्भ किया है। साथ ही आगामी 20 फरवरी मतदान दिवस पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आपको बताते चलें, कस्बा के मोहल्ला सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी धर्मशाला में विधानसभा भर्तना से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम के चुनावी कार्यालय का रविवार को बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव उर्फ अंशुल ने जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के साथ फीता काट कर शुभारम्भ किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने पार्टी के उम्मीदवार राघवेंद्र गौतम को विजयी बनाने के साथ साथ प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार की बागडोर सौंपने की अपील की है। के यहाँ से राघवेंद्र गौतम जी बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत के जाए, सारे तभी हमारी सरकार बनेगी और तभी आपका विकास होगा, आपका सम्मान होगा। जो इस सरकार ने पीछे हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई तभी हो पाएगी। जय हिंद। देखिए, जोश के साथ होश की अति आवश्यकता। अगर आपका जोश आगे बढ़ गया, होश में रहा, तो फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। पैरासिटामोल एक की जरूरत है, 10 खाली तो नुकसान है। मेरा आप सबसे एक आग्रह है, एक बार सुनिए, सिर्फ मेरा एक आग्रह है, आपको अपने समाज के साथ साथ आप शेड्यूल कास्ट के समाज में जाए तो उनको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बन गई तो ये तुम्हारे संविधान को समाप्त कर देगी, तुम्हारी नौकरियों को समाप्त कर देगी, तुम्हारे समाज को समाप्त कर देगी। और ये मुख्यमंत्री दोबारा बन गए तो सार तो छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे संविधान को बदल के दोबारा चुनाव नहीं होने देगी। ये लोगों को बताइए, ये लड़ाई अगर सिर्फ अपने पद प्राप्त करने की होती तो मनीष यादव तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते, हम भाषा में चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन ये लड़ाई अपनी नस्लें बचाने की है, अपना संविधान बचाने की है, अपना सम्मान बचाने की है। इसलिए साथ जोड़िए, मुस्लिम समाज को भी समझाइए कि भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इनको लड़ाने वाले सब कसाई। हमारा सौभाग्य चल लिया किन्हीं परिस्थितियों में हमको पार्टी से दूर होना पड़ा, लेकिन मेरा इसलिए हमेशा पार्टी के साथ रहा, माननीय मुलायम सिंह जी के बिना ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा। मैंने सारी बातें खत्म करते बनाई, लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि जिन गांव में जाओगे शेड्यूल कास्ट के दूसरी जातियों के अगर पेटभर की जातियों में जाकर पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाइए, सिर्फ तालियां बजाने से काम आने वाला नहीं। नौजवान दोस्तों, अगर एक लड़के ने अगर 100 वोट न पड़वाए तो पुराने वाली गलती दोहरा मत देना। भारतीय जनता पार्टी प्रमाणित झूठ बहुत चालाक पार्टी है, उनके पास एक एक गांव का डाटा है, किस गांव मेरा वोट है, किस गांव में नहीं है, तो पैसा बांट लो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसलिए आपकी सजगता और आप जब तक जिम्मेदार रहेंगे, आप कार्य करेंगे, इस कार्य को कम से कम 50,000 वोटों से की बार भक्तना विधानसभा में जिता के भेजना है। और हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों ने जिले में जन्म लिया, जहां माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे भगवान श्री कृष्ण के बाद किसी ने जन्म लिया, आदि जिला पंचायत सचिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तमाम मंचासीन लोगों का नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ मैं अपना भाषा यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर पार्टी जान एडजस्ट करेगी, मैं आपके बीच गाँव में जाऊंगा, कहीं भी कार्यक्रम लगाओ, फ्री होल्ड है, समय बनाए, आगे दाद रहे पीछे पकड़ा है। जोरदार नारे के साथ रामचंद्र की, उन्होंने अभी माननीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी आप लोगों के बीच में, क्या मैं नहीं पता भैया आपको कोई मंत्र देंगे। आज समाजवादी पार्टी में, आज भारतीय जनता पार्टी क्यों पकड़ा गई है साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी, आज बहुजन और पिछड़े लोग हम लोग एक क्यों हो गए हैं। राजभर को देखा होगा आप लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार किया करते थे, आज इनको ऐसी क्या चुभन हो गई जो हम लोगों के साथ आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज हमारे साथ क्यों आ गए, साथियों एक बहुत बड़ी बात हो गई है। आज हमारा संविधान खतरे में आ गया है, आज हमारा आरक्षण खतरे में आ गया है, आज हमारा बैकवर्ड खतरे में आ गया है, आज हमारा एससी खतरे में आ गया है। आपका निवेदन करना चाहता हूँ, खास तौर से हम लोगों जवानों को निवेदन करना चाहता हूँ, जो दूर दराज से गाँव से लोग आए हैं, जो हमारे शहर और बहादुर साथी, ये क्रांतिकारी साथी है, समाजवादी पार्टी को चलाने का काम करेंगे। आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता आराम से जगे है, आराम से बैठ जाए, हम क्योंकि आप लोग ही पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए वोट मांगते, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग जमीन में काम करते हैं।